वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, करीना कपूर जो कि स्टेप मॉम है इब्राहिम अली खान की, उन्होंने कह दिया है तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतने हैंडसम लगो जैसे वो पोज करते हैं चार्ल्स लिट्स के साथ। करीना कपूर खान और इब्राहिम अली खान की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। इब्राहिम अली खान जल्दी से हाल ही में हम कह सकते हैं पूमा ब्रांड एम्बेसडर में थे और उसका वो पार्ट थे और उसमें वहाँ पर पार्टनरशिप में उन्होंने एक पूरा दिन स्पेंड किया था मियामी ग्रैंड प्रिक्स में, जो कि मियामी फ्लोरिडा में है। उन्होंने ब्रंच की कुछ फोटोज शेयर की थी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, जो कि चार्ल्स जो कि एक स्पोर्ट्स स्टार है उनके साथ थी। इब्राहिम अली खान ने जिन्होंने एक रेड फरारी जर्सी पहनी हुई थी वो पोस्ट करते हैं चार्ल्स के साथ और कुछ लाफ शेयर करते हैं, जिसमें जो चार्ल्स होते हैं उनकी जर्सी को लेकर उनका कुछ मजाक बनाते हैं और वो हंसते हैं दोनों ही उस पिक्चर में। और एक पिक्चर में वो ये भी शेयर करते हैं जिसमें चार्ल्स ने एक ट्रॉफी उठाई होती है, उनकी थर्ड पोजीशन होती है रेस में और वो बहुत खुश दिखाई देते हैं, जिसमें करीना कपूर चुप नहीं रहती और कमेंट कर देती है कि इब्राहिम तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतने हैंडसम लोगों। कुछ फैंस ये भी कहती हैं वन क्रश विद माई अनदर क्रश, किस किस को देखो दो दो क्रश एक साथ। उसके अलावा बहुत से फैंस उनको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं। कुछ ये भी कहते हैं चार्ल्स ने कभी भी इस तरह का पर्सन नहीं देखा होगा इतना अच्छा, और वो जैसे हंस रहे थे कि वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग में है। इब्राहिम अली खान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत अच्छी नेचर के हैं। बाकी अगर खान के मुकाबले में उनकी बात की जाती है, स्टार किड्स की बात की जाती है, जी हाँ इब्राहिम अली खान वही है जिनकी हम सुन रहे थे कि उनकी पलक तिवारी के साथ डेटिंग चल रही है, लेकिन बाद में उनका ब्रेकअप हो जाता है या पलक तिवारी उन्हें लीव करवाना छोड़ देती हैं, उसके बाद किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं। थैंक यू।